अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुगेली। रायगढ़ लोकसभा चुनाव के मतगणना के लिए गढ़ुमरिया स्थित केआरटी कॉलेज को चिन्हांकित किया गया था, जहां रिटर्निंग अधिकारी यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में 23 अप्रैल को हुए मतगणना में सबसे पहले प्रत्याशियों एवं उनकी उपस्थिति में डाक मतपत्रों की मतगणना प्रारंभ की गई, जिसके बाद ईवीएम से 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान की गणना प्रारंभ की गई। वहीं जसपुर में 3 विधानसभा क्षेत्रों की गणना आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जसपुर गम्हरिया में संपन्न हुई। आपको बता दें कि रायगढ़ लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी गोमती साय को 6,58,335 और कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया को 5,92,308 वोट प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही मतगणना के बाद घोषित परिणाम की बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी गोमती साय ने 66,027 वोटों की बढ़त के साथ जीत दर्ज किया। इसी तारतम्य में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर यशवंत कुमार ने भाजपा की विजयी प्रत्याशी गोमती साय को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर प्रेक्षक सारंगढ़ खरसिया एवं धर्म जयगढ़ हितेश देव शर्मा एवं प्रेक्षक लैलुंगा एवं रायगढ़ के उमा रानी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर ए कुरुवंशी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर जे रमजाजर।